नमस्कार देवी सज्जनों, आज हम जानने वाले हैं कि Zoom पे साइड बाय साइड ऑप्शन क्या होता है। कभी कभी आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका एक स्पीकर आपके स्क्रीन के हाफ सेक्शन में दिखे और आधे सेक्शन में वो जो शेयर कर रहा है वो PPT दिखे। नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि वो जो स्पीकर है वो छोटा सा आइकॉन के कोने में चला जाता है और उससे हमारा ध्यान पूरा PPT की तरफ से हमें स्पीकर ढंग से दिखता नहीं है। तो साइड बाय साइड ऑप्शन एक नया ऑप्शन है जिसमें आपका स्लाइड 50% स्क्रीन पर दिखे और आपका स्पीकर 50% स्क्रीन पे दिखे, जिससे दोनों की तरफ 50-50 ध्यान जाए, दोनों की तरफ अच्छी तरह ध्यान जाए। सो ये कैसे करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आइए देखते हैं। छोटा सा सेटिंग है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, आपको साइड बाय साइड एनेबल कैसे करना है। आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो कैमरा का ऑप्शन है वहाँ पर एक अप एरो है छोटा सा, जो नॉर्मली आप क्लिक करते हैं चेंज बैकग्राउंड के टाइम, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो सेटिंग, आपको वीडियो सेटिंग पर जाना है। जैसे आप वीडियो सेटिंग पर जाएंगे आपको ऊपर से चौथा ऑप्शन जनरल वीडियो ऑडियो के बाद जो शेयर स्क्रीन ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से फिर से चौथा ऑप्शन जो है वो है 1, 2, 3, 4 साइड बाई साइड मोड, बस आपको इसको इनेबल करना है। और ध्यान रखिएगा, इसको इनेबल करने के बाद क्लोज कीजिए, एक बार वापस चेक कीजिए कि क्या वो सेटिंग वहाँ पर है शेयर स्क्रीन साइड बाई साइड मोड। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे साइड बाई साइड मोड, इसका मतलब आपने साइड बाई साइड मोड आपकी तरफ से इनेबल कर दिया क्योंकि आप होस्ट हैं। आप जैसे ही इसको करेंगे अब आपको एक काम करना है, आपको कुछ भी शेयर करके कि आपको सैम्पल दिखाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर एक PPT ओपन कर रहा हूँ जो इस तरह ओपन है, और मैं फिर से एक बार Zoom पे जाता हूँ और मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ये PPT यहाँ पर शेयर करूँगा, मेरा व्यू जो अभी डमी है यहाँ पर कैमरा कोने में आएगा, जो स्टैंडर्ड व्यू है और PPT आपको पूरा दिखेगा। लेकिन जब आपने उसको साइड बाय साइड इनेबल किया है, व्यूवर्स की तरफ यहाँ पर एक छोटा सा बार आएगा, आपको उनको बताना पड़ेगा कि उस बार को सेंटर में रखिए जिससे 50-50 ऑप्शन इनेबल होगा। तो देखा आपने ये कितना आसान है 50-50 शेयर स्क्रीन इनेबल करना, जिसको बोलते हैं साइड बाय साइड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा, तो एक बार करके देखिए, ये बहुत अच्छी तरह व्यूवर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देगा, दोनों का ध्यान दोनों पे रहेगा। नहीं तो नॉर्मली स्पीकर कहीं छुप जाता है और पूरा ध्यान PPT पे जाता है, ऑडियंस एंगेजमेंट ढंग से नहीं मिल पाती। इससे अच्छा है कि आप इसको दोनों 50-50 रखें, जिससे एंगेजमेंट अच्छा हो, ऑडियंस का ध्यान अच्छा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।